ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। आजकल की इतनी खराब लाइफस्टाइल की वजह से देखा गया है कि मरीजों को, इवन जो हेल्दी लोग हैं वो बहुत जल्दी जो है बीमार महसूस करते हैं अपने आप को। उनमें डायबिटीज एक मुख्य कारण है। तो सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को जो है सुधारिए, एक्सरसाइज जो है अपनी दिनचर्या में लाइए, आप जो है जंक फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए, हेल्दी फूड अपने लाइफस्टाइल में अपनाइए, डाइटिशियन का सहारा लीजिए। यदि आपको डायबिटीज डॉक्टर बताते हैं कि आपको शुगर है तो आपको अपनी डाइटिशियन का परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने जो है सब कुछ किया, आपने अपने डाइटिशियन की बात को माना, फॉलो किया, एक्सरसाइज भी खूब करी, आपने अपना दिनचर्या को ठीक किया, तब भी आपका शुगर अगर बढ़ रहा है, इन दैट केस हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। बाजार में कई दवाइयां अवेलेबल हैं जो डॉक्टर की सलाह के बाद अगर आप लें तो आपका ब्लड शुगर काफी हद तक कंट्रोल रह सकता है। कई बार दवाइयों के साथ साथ हमें डॉक्टर इंसुलिन की सहारा, हमें डॉक्टर बताते हैं कि हमें इंसुलिन की जरूरत भी पड़ जाती है। अगर कभी डॉक्टर आपको कोई सलाह देता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के ही आपको इंसुलिन के बारे में जानकारी दी होगी। तो इसके बारे में जो है कई लोगों में धारणा है कि यदि आपने एक बार इंसुलिन शुरू कर दी तो आप जिंदगी भर डायबिटीज के लिए आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये सब चीजें करें तो आपकी काफी हद तक शुगर कंट्रोल रहेगी। शुगर कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल अगर आपकी नहीं होगी तो आपको बार बार इंफेक्शन होंगे, आपकी इम्यूनिटी जो है गिरती रहेगी, आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेकरेंट इन्फेक्शंस होंगे आपके, आपकी इम्यूनिटी गिरेगी। उसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि आपके गुर्दे, आपकी आंखें, आपकी नसें, आपको हार्ट अटैक की सामना करना पड़ सकता है। आपको इनफैक्ट ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो डायबिटीज से बची है। इनफैक्ट जो पेशेंट डायबिटीज के होते हैं और उनको कोई और बीमारी भी हो जाए तो वो ठीक होना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो। इसीलिए डायबिटीज को हल्के में लेना बहुत ही बुरी बात है। आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने डॉक्टर्स के अनुसार अपना परामर्श करा के अपने ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखिए। थैंक यू।